पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है। इमरान खान ने आशंका जताई है कि उन्हें धीरे धीरे मारने वाले जहर का इंजेक्शन दिया जा सकता है। इमरान खान ने बोला कि उनको मारने की साजिश रची जा सकती है। वहीं इमरान खान की पार्टी ने यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन सवाल ये भी कि कौन इमरान खान को जेल में मारना चाहता है और कहां है इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मचा बवाल थम नहीं रहा। वहां हर शहर में हिंसा आगजनी की खबरें आ रही हैं। इस बीच अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब इमरान खान को बचाने के लिए काले जादू का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की माने तो इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बेगम खान को बचाने के लिए काला जादू कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इमरान खान को बचाने के लिए बुशरा बेगम ने काला जादू का सहारा लिया हो। पाकिस्तान में ये चर्चा जोरों पर है कि बुशरा के पास दो शक्तिशाली जिन्न हैं, जिनके दम पर वो इमरान को किसी भी खतरे से बचा सकती है। बुशरा बेगम पाकिस्तानी लोगों के बीच टोना टोटका करने के लिए पहले से जानी जाती हैं। आपको बता दें कि जब इमरान खान पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का सामना कर रहे थे तब भी ऐसी खबर आई थी कि सरकार बचाने के लिए बुशरा टोटके कर रही थी। किसी जल्लाद की तरह बुशरा बेगम ने काला जादू करते हुए अपने घर में कई टन जिंदा मुर्गे जला दिए थे, लेकिन लाख काला जादू करने के बाद भी उनका टोटका काम नहीं आया और इमरान खान की सरकार गिर गई। लेकिन क्या इस बार बुशरा बेगम का काला जादू चलेगा, क्योंकि दांव पर इमरान की जान लगी है। यदि जादू चल गया तो इमरान खान बच जाएंगे तो बुशरा बेगम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में छा जाएगी। और अगर पिछले साल के टोटके की तरह इस बार भी वो फेल हो गई तो क्या जा सकती है इमरान की जान।